आ जाओ, आप किनारे आओ। हाँ आ जाओ, ठीक है, वन मोर राउंड। आ जाओ, ठीक है। तो अभी कहीं दर्द हो रहा है अभी? हाँ, मुझे जो पेन हो रहा है, हाँ, एक तो चलने समय यहाँ पे हल्का सा पिंचिंग पेन हो रहा है, ठीक है, हाँ। और इधर जो दर्द हो रहा है वो भारी टाइप वाला, जैसे नहीं, हाँ, तो सर्कुलेशन सही नहीं है या कुछ वैसे। अच्छा, पूरे एरिया में भारी वाला पेन हो रहा है, जैसे एक्सरसाइज के बाद वाला पेन होता है ना, उस टाइप भारी भारी सा लग रहा है। अच्छा अच्छा, हल्का सा पिंचिंग, मतलब यहाँ पे हल्का सा। अच्छा, मेन जो पिंच वाला दर्द है वो यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। अच्छा, ये चेयर से उठते बैठते में दर्द हो रहा है क्या? नहीं, या पॉज लेना पड़ता हो एक दो सेकंड या दो चार सेकंड का, फिर ऐसा कोई पेन नहीं है, ऐसा नहीं। और तुम्हारा नाइट में पेन, सोते समय पैर खींचते समय कभी कभार संभाला हो, यही हाँ। वाला पेन होता है, कभी कभी ये फील होता है कि जैसे भारी भारी सा लग रहा है। हैवी पेन तो अभी नहीं हो रहा है, हैवी पेन नहीं हो रहा है। ओके, कितना समय हो गया पेन को लगभग? कितना टाइम? मेरा स्टार्ट हुआ था सितंबर 2000, लास्ट ईयर सितंबर से स्टार्ट हुआ था। लास्ट ईयर सितंबर से स्टार्ट हुआ था, और मुझे 20 लगभग ये मार्च में पता चला था, फिर 10-15 मार्च को कि एवियन की प्रॉब्लम है। ठीक है, ठीक है, चलो देखते हैं 7 डेज में क्या चेंज है। आ जाओ, स्पीड आ गया है, पहले से चाल में कॉन्फिडेंस भी है। चलो एक राउंड और ले लो, आ जाओ, वेरी गुड। तो राजेंद्र जी कैसा महसूस कर रहे हैं अभी? अभी तो सर एकदम, मतलब कॉन्फिडेंस आया है, और हल्का हल्का सा भी फील हो रहा है, मसल्स वगैरह भी अभी थोड़ा सा ना अच्छा ही हो गई है, मतलब डर भी दूर हो गया है, डर जो लगता था पहले ना। अच्छा, तो सारी डर दूर हो गई है, डर भी दूर हो गया। ओके, और चेयर से उठने बैठने में कोई दर्द नहीं? चेयर से उठने बैठने में कोई दर्द नहीं, कोई दर्द नहीं। और रात को सोते समय कोई दर्द नहीं? सर सोते समय भी कोई दर्द नहीं। तो ट्रीटमेंट से हैप्पी है? हैप्पी है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ डॉक्टर विजय प्रकाश फ्रॉम सौभाग आयुर्वेद शारदा नगर कानपुर, सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर एट सौभाग आयुर्वेदा, स्पेशलिस्ट इन एवियन एंड स्पाइन एंड जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो फ्रेंड्स, एवियन की सीरीज में एक पेशेंट और है जो कि हमारे पास दिल्ली से आए थे, इनका नाम राजेंद्र जी है। तो सबसे पहले उनको नमस्कार करेंगे। नमस्कार राजेंद्र जी, बताइए शुरू से कि कैसे आपको पता चला एवियन के बारे में, कब पता चला? सर सितंबर 2021 में मैं ऑफिस से घर की तरफ लौट रहा था, हमारी ऑफिस की बस होती है, तो उतरते समय ना ड्राइवर ने अचानक से ब्रेक लगाया, उस समय मुझे हल्का सा झटका लगा, तो मुझे लगा कि मसल्स वगैरह में हो सकता है, खिंचाव वगैरह आया हो, तो एक दो दिन दिक्कत हुई, फिर मतलब मेरा चलना फिरना नॉर्मल। उस समय मैं क्रिकेट भी खेलता था, तो क्रिकेट वगैरह खेलना मेरा होता रहा, फिर वो पेन बढ़ता गया बढ़ता गया, फिर मैं उस समय आर्टमिस में जाकर फिर वहाँ एडमिट हुआ। उन्होंने उस समय डिटेक्ट नहीं किया, उन्होंने लगा कुछ ग्रोइन पेन वगैरह का है, कुछ और ट्रीटमेंट के लिए बोल रहे थे, बट फिर मैंने उस समय करवाया नहीं था, थोड़ा सा मुझे पेन में रिलीफ हो गया था,
उसके बाद फिर 2-3 महीने हल्का हल्का पेन के साथ मैं सर्वाइव कर रहा था कि हो सकता है मसल्स खिंचाव हो, सही हो जाएगा। मैंने फिजियोथेरेपी वगैरह कराई बट कोई बहुत ज़्यादा आराम रिलीफ मिला नहीं है। उसके बाद फिर मुझे दोबारा पेन शुरू हुआ, तो फिर मैं उसके बाद फोर्टिस गुड़गांव में वहाँ पर एडमिट हुआ। तो उन्होंने सोचा कि मतलब हो सकता है साइट का वगैरह कोई प्रॉब्लम वगैरह हो, क्योंकि जो ज़्यादा पेन था मेरे वो ग्रोइन एरिया में था। तो उन्होंने फिर वो सारे MRI वगैरह किए तो वहाँ भी उनको डिटेक्ट नहीं हुआ। हालांकि एक्सरे में वहाँ पे डिटेक्ट हुआ था, बट जो उन्होंने एक्सरे के जो जिसने भी रिपोर्ट बनाई थी पुलिस ने, वहाँ पे उन्होंने नॉर्मल लिखा हुआ था। जो मेन डॉक्टर ने उन्होंने केवल रिपोर्ट देखी तो उन्होंने बोला आपका सारा कुछ नॉर्मल है, तो वो वहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुई थी। उसके बाद फिर मैं बीच में थोड़ा रिलीफ हुआ, मेरा नॉर्मल चलना फिरना होता रहा। मार्च 2022 में मेरा पेन तो कंटिन्यू था ही, हल्का फुल्का मतलब बीच में रिलीफ होता फिर पेन बढ़ता। मार्च में फिर बहुत ज़्यादा पेन बढ़ गया था होली से पहले। तो फिर मैं एक डॉक्टर को उस समय दिखा रहा था जहाँ पे मैं फिजियोथेरेपी करा रहा था, तो उन्होंने फिर दोबारा से MRI करने के लिए मेरे को बोला हिप जॉइंट का, क्योंकि उनको डाउट हुआ कि शायद ये प्रॉब्लम हो। उस समय पे जाके MRI के बाद तब जाके पता चला फाइनली कि ये AVN की प्रॉब्लम है, और अभी ये राइट का आपका सेकेंड स्टेज में है और लेफ्ट में जस्ट शुरुआत है अभी। तो उन्होंने बोला आपको तुरंत कोर डिकम्प्रेशन कराना पड़ेगा तभी आपका ये बच सकता है, नहीं तो फिर अगर फोर्थ स्टेज चला गया तो फिर आपको रिप्लेसमेंट ही कराना पड़ेगा। तो फिर उस समय तो फिर मैंने, क्योंकि होली थी, मैंने कहा घर से होके एक बार आता हूँ फिर सोचता हूँ। फिर मैं एक दो और डॉक्टर के पास गया, सीनियर डॉक्टर के पास दिल्ली में ही, कि मतलब कंसल्ट कर लेता हूँ, एक सेकेंड ओपिनियन हो जाएगा कि मतलब क्या कराना सही क्या गलत है। तो फिर बाकी दो डॉक्टरों ने भी मतलब यही बोला कि आपको अगर बचाना है तो कोर डिकम्प्रेशन करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये फिर फोर्थ स्टेज चला जाएगा, तो फिर ये रिप्लेसमेंट ही ऑप्शन है। तो फिर यूट्यूब वगैरह पे मैंने और डॉक्टरों को देखा, तो फिर मुझे लगा शायद मुझे करा लेना चाहिए। उसके बाद फिर मैंने होली के जस्ट बाद 21 मार्च को कोर डिकम्प्रेशन करवाया। उसके बाद लगभग 1 महीने तक मैं बेड रेस्ट पे रहा, फिर मुझे थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट लगा, मुझे पेन वगैरह रिलीफ हुआ, नॉर्मल चलना फिरना मेरा होने लग गया, मैंने स्टिक भी हटा दी। बट ये दोबारा से मेरा सितंबर, अभी ये 2 महीने पहले जून वगैरह, जून 25-26 जून के आसपास ना, दोबारा फिर मुझे हैवी पेन हो गया। जब मुझे फिर हैवी पेन वगैरह, फिर ऑफिस वगैरह से मैंने रेस्ट ले लिया, फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया, जिस डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बोला होता है कभी कभी सर्जरी, मतलब बॉडी अलग अलग रिस्पॉन्स करती है, तो सर्जरी के कभी कभी फेल होने के चांसेस होते हैं, या कभी कभी 4-6 महीने भी लग जाते हैं सर्जरी के बाद भी। तो अभी आप केवल रेस्ट करके एक बार देखो क्या रिजल्ट रखता है, नहीं तो फाइनली फिर रिप्लेसमेंट ही आपका ऑप्शन है। तो और भी डॉक्टरों से मैंने पूछा तो उन्होंने बोला देखो जब तक आपका ये चल रहा है, क्योंकि अभी आपकी एज भी लगभग 31 के करीब है, तो जब तक आप इसको बचा सकते हो तब तक बचाओ, फिर नहीं तो आपको रिप्लेसमेंट ही करना पड़ेगा जब आपका रोज़मर्रा की ज़िंदगी चल नहीं पाएगी। तो मैं थोड़ा सा नर्वस भी हो गया और मैं काफ़ी डिमोटिवेट भी हो गया। फिर मैंने फिर दिल्ली में एक डॉक्टर को दिखाया, काफ़ी एजेड डॉक्टर है वो भी आप थोके हैं, उन्होंने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया कि मतलब अभी आपका ये बच जाएगा, अभी आप एक्सरसाइज करो, अच्छा खाओ, अच्छा मतलब अच्छा एक्सरसाइज करो, आपका ये चल जाएगा, आप टेंशन ना लो। फिर मुझे थोड़ा सा मतलब एक्सरसाइज वगैरह करो और अच्छा खाना खाओ बस, आप अभी आपका ये चलेगा, परेशान ना हो, इतना ख़राब आपका नहीं हुआ है। उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, फिर मैं सोचा कि मैं अब रिप्लेसमेंट नहीं कराऊंगा। फिर मैं यूट्यूब पे और सर्च करने लग गया कि और क्या क्या एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं। उस समय मुझे फिर आपका एक्सरसाइज मिला उसमें AVN के रिलेटेड, फिर मैंने देखा कि आप केवल AVN को ही ट्रीट कर रहे हो मेनली। तो उसके बाद फिर मैंने आपके सारी वीडियोज देखे, फिर उसमें भी मैंने देखा आपकी एक लाइव एक्सरसाइज थी लगभग 1-1.5 साल पुरानी, वो फिर मैंने, मेरा टीवी है, स्मार्ट टीवी है, फिर मैंने उसमें लगा के यूट्यूब में, फिर मैंने उस दिन 1 घंटा किया, मतलब आपकी हाँ एक्सरसाइज वो आपका ओल्ड वीडियो था बट वो पूरा करके लगभग 45-50 मिनट का था, उस दिन वैसे रिलैक्स करके मैंने उस दिन किया। फिर मैंने आदत डाल ली 2-3 दिन सुबह शाम करने की, तो फिर क्योंकि मैंने लगभग 20-25 दिन बेड रेस्ट किया था फुल, सारी मसल्स मेरी वीक हो गई थी और अजीब सा मतलब बॉडी ना हैवी फील होने लग गई थी। उसके बाद जब मैंने 3-4 दिन किया ना तो मुझे अच्छा सा फील हुआ, मेरे थोड़ा सा हिम्मत बढ़ने लग गई, मैं घर के बाहर निकल के थोड़ा टहलना वलना करने लग गया। तो फिर मैंने सोचा कि मैं आपको एक बार ज़रूर दिखाऊंगा। उसके बाद क्योंकि पेन उस समय थोड़ा ज़्यादा था, तो फिर नियर में एक हॉस्पिटल तो वहाँ एडमिट हुआ था, मैंने जस्ट उनसे पेन के लिए एडमिट हुआ था कि पेन मेरा रिलीफ हो जाएगा, फिर रक्षाबंधन के आसपास आपके पास आना होगा। फिर मैंने आपसे व्हाट्सएप पर बात किया था, आपको रिपोर्ट्स वगैरह भेजी थी,
फाइनली फिर मैं आके फिर यहाँ पे 1 वीक की ऑफिस से छुट्टी लेके फिर मैंने आपके यहाँ पे थेरेपी स्टार्ट किया है। चलिए, तो अब जैसे एक सेटिंग जैसे ये हुआ तो इसमें आप क्या क्या चेंजेस देख रहे हो अपने अंदर? सबसे बड़ा जो मेरे अंदर मुझे चेंजेस आया, सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस का चेंजेस आया सर, क्योंकि इसके पहले मैं कहीं ना कहीं होपलेस हो रहा था, क्योंकि मुझे ये लगा था कि रिप्लेसमेंट ही कराना पड़ेगा, और सबसे ज़्यादा डर ये बात का था कि अगर मैं रिप्लेसमेंट करा भी लेता हूँ तो जो चीज़ें मैं अभी नहीं कर पा रहा हूँ मैं इस NG के साथ, आफ्टर दैट मुझे और ज़्यादा मतलब रखना पड़ेगा, टेक केयर रखना पड़ेगा। ना मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ, ना सीढ़ी चढ़ सकता हूँ, ना मैं दौड़ सकता हूँ, ना मैं ट्रैकिंग कर सकता हूँ, मतलब रोज़मर्रा की मैं चीज़ें कर ही नहीं सकता। तो फिर अभी और बाद में फिर फ़र्क क्या रहेगा? रिप्लेसमेंट कराने से मुझे फ़ायदा क्या रहेगा? केवल पेन रिलीफ ही अगर होना है तो वो मैं अगर ये बचा लूँ, मेरा इतना ज़्यादा ख़राब भी नहीं था, मैंने अभी अपना रिपोर्ट वगैरह देखा था, फोटो वगैरह में तो थोड़ा सा जो मुझे आइडिया लग गया था एक साल में, बाकी लोगों के पेक्षा मेरा इतना ख़राब मुझे नहीं लग रहा था। तो फिर मुझे कॉन्फिडेंस आया। उसके बाद फिर जब आपने मतलब यहाँ बताया कि आपका ठीक हो जाएगा, आपका भी इतना ज़्यादा ख़राब नहीं, तो मुझे फिर और मोटिवेशन में हाँ बाकी लोगों को देखा तो उनके मतलब उनके खुद से कंपेयर किया ना, तो मुझे लगा कि मेरा तो मतलब काफ़ी अच्छे स्टेज में है, अभी सेफ स्टेज में है और ये ठीक हो सकता है। तो एक डर खत्म हो गया। हाँ, वो डर खत्म हो गया और फिर मैं नॉर्मल चलना फिरना भी हो गया, थोड़ा कॉन्फिडेंस हो गया, तो जिससे मेरे मसल से दोबारा फिर सारी एक्टिव हो गई है, तो अब थोड़ा सा हल्का हल्का सा फील हो रहा है। थेरेपी के बाद भी हाँ फील कर रहा है, ठीक है। तो और भी जो AVN के जैसे पेशेंट है, आजकल तो कोरोना की वजह से बढ़ रहे हैं ज़्यादा, उनको आप क्या सलाह दे रहे हैं? उनको तो मैं सबसे पहले यही सलाह दूंगा कि जैसे ही उन्हें डिटेक्ट हो तो वो ये मान के चल रहे हैं कि ये लंबी प्रॉब्लम है और उसको इग्नोर ना करें, तुरंत एक्सरसाइज किसी डॉक्टर से सलाह लेके एक्सरसाइज वगैरह शुरू करें और प्रॉपर डाइट मेंटेन करके प्रॉपर मेडिसिन लें, इग्नोर बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी इग्नोर होगा तो वो स्टेज बढ़ता जाएगा और फिर दोबारा से रिटर्न होने में वो सिचुएशन और ज़्यादा क्रिटिकल हो जाएगी। ग्रेड बढ़ जाएगा सर। ठीक है, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका राजेंद्र जी, आपने बहुत अपना इम्पोर्टेंट रिव्यू दिया। और जितने भी AVN के पेशेंट हैं, खासतौर से कोरोना वाले, एक तो पहले घबराना नहीं है और ऐसा भी नहीं करना कि घबरा के जल्दी से जाकर रिप्लेसमेंट करा लिया। पहले तो अपने ग्रेड को पहचानो, समझो कौन से ग्रेड तक का है, और अगर ये 4th ग्रेड से पहले तक का है तो भी काफ़ी हद तक इसको रोका जा सकता है, और रोकने के बाद फिर हम रिवर्स करने की बात सोचते हैं। पहले टारगेट नंबर तो यही करना है नंबर 1 पे कि आपको इसको रोकना है, उसके लिए नंबर 1 पे प्रिकॉशंस फॉलो करना आपको स्टार्ट कर देना चाहिए। कोई भी किसी तरह की मिस्टेक मत करो, अब रनिंग जंपिंग नहीं करना है, अभी थोड़ा सा इसको कम से कम अभी 1 साल तक प्रिकॉशंस रखना है। जैसे जैसे बॉडी से स्टेरॉइड कम होगा, वायरल लोड कम होगा, क्योंकि कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा है, बॉडी खुद भी हील करेगी, खुद रिकवर करेगी, समझदारी इसी में ही है कि पहले तो प्रिकॉशंस फॉलो करना स्टार्ट कर दो, एंड एक्सरसाइज जो मैं लाइव में कराता हूँ उसको करना स्टार्ट कीजिए, तो जो बेड रिडन पेशेंट हैं एटलीस्ट वो उठ जाएंगे और वो चलने लायक कंडीशन में हो जाएंगे, डर खत्म हो जाएगा और काफ़ी बेटर कंडीशन में हो जाएगी। और खासतौर से जो गरीब पेशेंट हैं जो कहीं किसी चीज़ का इलाज नहीं करा सकते, वो तो निश्चिंत होकर अपना ट्रीट मतलब एक्सरसाइज करना तो स्टार्ट कर ही दो, आप काफ़ी हद तक उसी से कवर कर लोगे। और उसके बाद अगर आपको और फर्दर इम्प्रूवमेंट चाहिए तो फिर आप हमारे कानपुर सेंटर में आ सकते हैं और अपना ट्रीटमेंट करा करके कंप्लीट रिकवरी ले सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। और आप सभी लोग हमारे इस चैनल को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सो दैट द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एंड नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। टिल देन, बाय बाय।